जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन लर्निंग विद मुकेश में। आज हम लोग सीटेट स्पेशल पेडागॉजी की क्लास में, जहाँ पे हम लोग महत्वपूर्ण शिक्षण जिसमें पर्यावरण शिक्षण, गणित शिक्षण, हिंदी शिक्षण के प्रश्नों की सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। इस सीरीज का पढ़ाने का एकमात्र जो उद्देश्य है वो आपका सिलेक्शन है, क्योंकि हम प्रश्नों की जो व्याख्या करेंगे वो विस्तृत रूप से करेंगे, ताकि जब भी आप परीक्षा में जाएं तो यहाँ से आप प्रश्नों को ज़्यादा ज़्यादा करके, मेरा एकमात्र उद्देश्य आपका सिलेक्शन है, आपका क्वालिफाई कराना है। अगर आप सिलेक्शन के लिए, आप सीटेट उत्तीर्ण करने के लिए हमारी क्लास को पढ़ रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर देते चलिएगा। यह इलर्निंग विद दुर्गेश की सीटेट की एक अनोखी और बड़ी पहल है, जहां तीन विषयों के शिक्षण एक साथ, जिसमें पर्यावरण शिक्षण, गणित शिक्षण, हिंदी शिक्षण की महा मैराथन सीरीज आपके लिए चल रही है। आप वीडियो में जुड़ने के बाद कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, और हो सकता है ये वीडियो काफ़ी बड़ा और लंबा हो, लेकिन आपके सिलेक्शन से बड़ा नहीं है। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप शॉर्टकट का सहारा मत लीजिएगा, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। मैं आगे बढ़ रहा हूँ एक एक प्रश्नों की तरफ। आजीबीएस पेडागॉजी की जो सेट नंबर है वो 7 सीरीज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इलर्निंग विद दुर्गेश की ये ऑनलाइन क्लास सिराज हिंद जौनपुर जनपद से संचालित की जाती है। चलिए एक एक करके हम प्रश्नों को पढ़ते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है, पर्यावरण अध्ययन, ध्यान से देखिएगा मेरी प्रश्नों को, कि जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, इस दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके अपना जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है और मैं ये चाहूँगा कि आप सिलेक्शन के लिए लगातार अपना बेस्ट दें। ठीक है, जल्दी से फटाफट बताइए कि आपके आधार पर इस दिए गए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, लाइव जो देख रहे हैं सभी लोग जवाब दें। चलिए मैं स्पष्ट कर देता हूं एक एक करके। देखिए आप लोग की संख्या जो भी रहे, लेकिन आप लोग कमेंट करके अपने रिप्लाई नहीं देते, ये आपकी गलत आदत है। ठीक है, चलिए यहां पर देखिएगा ध्यान से, कह रहा है कि पाठ को आनंदमयी और रोचक बनाना। देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग सहायता करती है। देखिए, कविता और जो कहानी होता है ये भी आपको मदद करता है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो मदद करना है वह मदद करना है, आनंद बनाना नहीं है। ठीक है, संकल्पना की बात कर रहा है। फिर आगे कह रहा है कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। फिर आगे कह रहा है, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। फिर कह रहा है, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो यहाँ पर जो उपयुक्त प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वह है आपका बी, क्योंकि बी ज़्यादा लोग बता रहे हैं, इसका मतलब बी को ताला लगाया जाए, बी आपका सही जवाब है। और एक बात मैंने और बताया था, जिस प्रश्न का उत्तर आपको ना पता हो, जिसका उत्तर बड़ा होता है वही उसका उत्तर होता है। यहाँ पर देखिए, स्थानीय वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ाना, जैसे ये बताना कि अगर आपके पाठ में आ जाए चीन की दीवार, अगर आ जाएगा चीन की दीवार, तो बच्चों को चीन की दीवार कैसे समझाएंगे। तो बच्चों को चीन की दीवार ऐसे समझाएंगे कि जैसे यह हमारा स्कूल है, जैसे यहाँ पर यह हमारा क्या है, स्कूल है। अब इस स्कूल के चारों तरफ जब मिड डे मील के लिए छुट्टी होती है, जब रेसेस होता है, जब लंच होता है, तो कुछ बच्चे बाहर भाग जाते हैं। उनको बाहर जाने से रोकने के लिए इस विद्यालय के चारों तरफ एक चार दीवारी का निर्माण कर दिया गया, और यहाँ पे जो गेट था उस गेट में क्या लगा दिया गया, ताला लगा दिया गया, ताकि बच्चे बाहर ना जाने पाए। इसी प्रकार तो बच्चे कहेंगे, हाँ सर, अब हम लोग कोई भी कक्षा से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि जब वो कक्षा से बाहर भागना चाहेगा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, चार दीवारी है, और चार दीवारी से हम लोग भाग नहीं सकते। इसी प्रकार चीन की भी दीवार है, इसी प्रकार क्या है, चीन की एक दीवार है जो बाहर से आने वाले आक्रमणकारी को रोकने के लिए बनाई गई है, जैसे आपको स्कूल से बाहर जाने भागने के लिए बचाई गई है। इस प्रकार यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह क्या होगा, बी का राइट आंसर होगा। तो स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि जो मैंने आपको बताया ठीक
तो आप लोग जरा कमेंट करके बताएं कितने लोग को ये समझ में आया, क्योंकि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं बताना है, आपको साथ में तथ्यों को समझना है, क्योंकि जब आप सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी और आपके लिए कामगार भी साबित होंगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए फटाफट मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करने के बाद सबसे पहला काम वीडियो को शेयर जरूर कर दें, क्योंकि कुछ चमन टाइप के लोग आएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि उनको उनका यही काम है, उनकी औकात उतनी तक है, ठीक है। और आप लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे से पढ़िएगा और सफल जल्दी से होइएगा। अगला प्रश्न आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्या है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें इस दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जो क्लास मेरी प्रतिदिन करते होंगे यकीनन वो इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। सभी लोग फटाफट बताएं। देखिए मैंने आपको बताया कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, बताइए सर क्या होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि जैसे सहयोगात्मक अधिगम क्या होता है। सहयोगात्मक अधिगम जैसे आप लोग इस समय मिलकर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा इसमें होता क्या है कि जैसे जब मैं पढ़ा रहा हूँ सभी लोग बहुत ही मन से पढ़ते हैं, आप आते ही वीडियो को लाइक करते हैं, वीडियो को शेयर कर देते हैं, और जितने लोग हैं वे सभी अपना मेहनत करते हैं। उसमें जैसे जब आप लोग पढ़ना शुरू करते हैं उसमें कुछ चमन चूतरे टाइप के लोग आ जाते हैं, तो आप उनके क्या करते हैं, उन्हें तुरंत बाहर का रास्ता दिखाते हैं तुरंत। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में सिलेक्शन नहीं मिलती, एक दिन में कोई सफल नहीं होता, एक दिन में मैं पढ़कर आपको नहीं पढ़ाता, मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं। और आपने देखा होगा कि सीटेट का रिजल्ट 12% आता है, 17% आता है, इसका मतलब 88% लोग फेल होते हैं। लेकिन यहां पर जो लोग पढ़ रहे हैं वे सभी क्या है, सहयोगात्मक अधिगम है, इसलिए इनकी जो IQ लेवल है वो ज्यादा है, और जो स्वगरिमामान है, इनके अंदर स्वयं की गरिमा है कि ये सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं, इन्हें केवल सीटेट नहीं पास करना है। अगर यहाँ पे इनका शिक्षण का कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा, इलनी विदुर्गेश के साथ भविष्य में KVS दें, DSSB दें, सुपर टेट दें, इनके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे और वो सरकारी नौकरी के प्रबल दावेदार होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो केवल परीक्षा के टाइम पढ़ेंगे, जो परीक्षा के टाइम पढ़ेंगे और जो प्रतिदिन क्लास ले रहा है, क्या वो उनका मुकाबला कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सब सफल अभ्यर्थियों में से हैं, इसलिए यहाँ पर आप क्या हैं, स्वगरिमामान है और आपकी उच्च उपलब्धि है। उपलब्धि क्या है आपकी? उच्च है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी का राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको पता है रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। इसीलिए आपको मैं जब पढ़ाता हूँ तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आएंगे बिना क्लास पढ़े पहले वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि उनका काम यही है, वो पूरी जिंदगी यही करेंगे, वो सफल नहीं होंगे क्योंकि उनके मानसिकता ही ऐसी है। कि आप लोग अच्छे लोग हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं और सफलता के पथ पर जरूर आगे बढ़ेंगे, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। क्लास जौनपुर जनपद से चलती है, ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर शिक्षक भर्ती परीक्षा सीटेट की जानकारी ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यह फेसबुक पेज पे भी लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे भी लाइव चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टार्मिंग मस्तिष्क अद्रेलन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर कैसा संकेत करता है? क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग होते हैं, हमारी कक्षा में पढ़ते हैं, आपकी इस कक्षा में भी पढ़ेंगे, तो बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं मुझे याद नहीं होता, मैं सीटेट कैसे पास होऊंगा, मुझे सीटेट पास करना है। तो उनके अंदर जो गुण होता है सभी एक समान नहीं होते, सबके तरीक़े अलग अलग होते हैं। तो हम ही कहते हैं अगर आप मित्रवत रूप से पढ़ेंगे तो यकीनन आप सफल जरूर होंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको एक बात का होता नहीं, मैं पढ़ लूँगा, मैं पास होऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग एक स्वयं की एक समूह बनाइए, एक ऐसे मित्रों का समूह बनाइए जो पढ़ने योग्य हों, अच्छे हों, ताकि आप सफलता के और आगे चल सके। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये तो शिक्षण विधि है। यहाँ पर निरंतरता है कि उसकी वजह से नहीं सीख पा रहा है, फिर कह रहा है अंतर संबंध जी नहीं, व्यक्ति भिन्नता है। यहाँ पर जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी की सीखने की क्षमता अलग अलग है, कुछ जल्दी सीखते हैं, कुछ धीरे धीरे सीखते हैं, कुछ मेरी तरह मंद बुद्धि है, कुछ आपकी तरह प्रखर बुद्धि है। तो यहाँ पे कई प्रकार के बालक और बालिका हैं। तो यहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर दिए गए प्रश्न का होता है व्यक्ति भिन्नता, ऐसा सीटेट में हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है आपका एग्जाम्पल सेम यही दे।
यहाँ पर जरूरी नहीं कि आपको जो उदाहरण दिया जाए सेम इसी तरह से दिया जाए, उदाहरण के तौर तरीके अलग हो सकते हैं। इसीलिए आप सभी से यह बात जानते रहिएगा, सभी की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, उसे हम व्यक्ति भिन्नता के अंतर्गत रखते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो ये बताएंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी शिक्षण विधि है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट करके जवाब दें। देखिए प्रायः जब प्रश्न में मैं नाम लेता हूँ, सकता किसी का नाम रहता है तो उसे बुरा मत माना करें, सीमा, लीना, सोनी, मोनिस नाम अगर आया करे तो आप लोग बुरा ना माना करें। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से होता है। यह एनसीईआरटी में, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो यह प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे। उसके ऊपर भी प्रश्न जो आपने पढ़ा वो मेरे नोट्स में था। अगर आपने, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं वो लोग जरूर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। यह मेरे नोट्स में है और एनसीईआरटी का हूबहू प्रश्न है। जवाब जरूर दीजिएगा, गलत ही सही लेकिन जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो मच्छर से होता है तो आपको पता है कि मच्छर से क्या होता है। अभी एक बड़ी बीमारी फैली थी डेंगू, ये एक वायरस है, ये बुखार है जो वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि मलेरिया प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से होता है, चिकनगुनिया एक विषाणु है, डेंगू हो गया ये वायरस से होता है, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, लिख लीजिएगा प्लाज्मोडियम से होता है, एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, चिकनगुनिया ये भी विषाणु है और ये भी एडीज मच्छर से होता है। चिकनगुनिया पूछा ऐसे प्रश्न किस मच्छर से होता है, तो भैया लिख लीजिएगा यह एडीज मच्छर से होता है। चिकनगुनिया किससे होता है, एडीज मच्छर से होता है, यह भी लिख लीजिएगा, यह एनसीईआरटी में है और मेरे नोट्स में भी होगा। आपने अगर मेरा नोट्स लिया होगा, ऑनलाइन लिया होगा या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया होगा, आपको ये मिला होगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर ए इसका राइट आंसर है, माने जितने लोगों ने ए बताया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। सभी लोग वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दें। और यहां पर देखिए एक प्रश्न आया है, मैं उम्मीद करता हूं जितने लोगों ने नोट्स पढ़ी होगी उनका जवाब तुरंत आ जाएगा। ये एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ में है, ये क्या है, एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ में है। ठीक है, दूसरा तीसरा लेसन है, ये आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगा अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी। और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ नोट्स पढ़ लीजिए। एक बार अगर आप चूकते हैं ना तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए सफलता हमेशा पहली बार होनी चाहिए। यहाँ पे आपको बताना है सांप के संदर्भ में, मैं सबसे प्रश्न भी पूछूंगा कि हमारे देश में केवल चार तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। आप लोग कमेंट करके केवल यस या नो बताइए, सभी लोग फटाफट कमेंट करके इतना बताएं क्या हमारे यहाँ चार प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, सही है या गलत बताइए सभी लोग। सभी लोग फटाफट कमेंट करें कि क्या ये बात सही है, चार तरह के ही सांप पाए जाते हैं जो जहरीले होते हैं। जी हाँ, ये चार प्रकार के होते हैं और ये अगर मेरी नोट्स में अगर किसी ने पढ़ा हो तो कमेंट करके बताए कौन कौन। नाग, करैत, एनसीईआरटी में है नाग, करैत, दुबैया, अफाई, यही है ऐसे चार प्रकार के सांप भारत में जो जहरीले हैं। ये स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, नाग, करैत, दुबैया, अफाई, एकदम रट्टा मार दीजिए। अगर आप रट्टा नहीं मार पाते तो कहीं ना कहीं आपने गलती की है। अब आगे कह रहा है, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जी हाँ, प्रकार है। ठीक, जहरीले सांप के चार खोखले दांत होते हैं। अब जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ये सारा लाइन आपको एनसीईआरटी का मिलेगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़िए, अगर एनसीईआरटी किताब आपके यहाँ नहीं मिलती, क्योंकि सारी तो मिल नहीं सकती सभी पढ़ागोगी की, तो आप मेरा नोट्स पढ़ लीजिए, उसके लिए आप यहाँ पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं या पेड क्लास ज्वाइन कर लें। यहाँ पर देखिए, सांप के काटने से दवाई जहर से बनाई जाती है, सांप काटने की दवाई सांप के जहर से बनाई जाती है। देखिए यहां पर यह प्रश्न तो सही है, यहां पर यह प्रश्न तो सही है, लेकिन यहां पर यह विकल्प गलत है, तीसरा यहां पर गलत है। और जो तीसरा गलत है क्यों, कह रहा है जहरीले सांप के चार खोखले दांत होते हैं। भैया सभी सांप के चार होते हैं, केवल जहरीले नहीं, इसलिए यहां तक का टॉपिक गलत है। इसलिए इसका उत्तर ए बी डी है। क्या होगा,
ए बी डी कहाँ पे है, यहाँ पर इसका उत्तर होगा सी, इसका राइट आंसर होगा। अब मैं प्रश्न पूछूंगा कि सांप काटने की दवाई का नाम क्या है। अगर जितने लोगों ने इस सीरीज को पढ़ा होगा, एनसीईआरटी नोट्स पढ़ा होगा, वे सभी लोग जवाब दें कि सांप के काटने का जो जहर होता है उसके लिए जो दवा होती है वो क्या होता है, बताइए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। जी हाँ, सीरम राइट आंसर। यह भी एनसीईआरटी में, मेरे नोट्स में भी होगा सीरम। कुछ लोग कहते हैं सर परीक्षा से बाहर निकलने के बाद, क्या सर सीटेट वाले आपके नोट्स से ही क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि तो सारे क्वेश्चन आपको हूबहू हमारे नोट्स में मिल जाते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैं आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको हो सकता है क्लास लंबी लगे। यह भी एनसीईआरटी का प्रश्न है, एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ का है और ये लास्ट लेसन है, मुझे नहीं 11वां लेसन है क्या, ये आखिरी लेसन का प्रश्न है। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। सभी लोग फटाफट बताएं कमेंट करके, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और बताएं। देखिए वीडियो को सबसे पहले आप लोग, जो लोग लाइव देख रहे हैं, पहले तो लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें, पहले इतना काम करें, तब मैं आपको पढ़ाऊं इसका उत्तर क्या होगा। विद्या माई कसम है, सभी लोग वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में मेरे साथ आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आइए मैं इसको अच्छे से व्याख्या कर रहा हूं। देखिए ये अच्छी गंध का होता है, जी नहीं, एनसीईआरटी में लिखा है पेट्रोलियम बदबूदार होता है, अच्छी गंध का नहीं होता। तो यहाँ इसका मतलब है या तो ये बदबूदार, यहाँ भी बदबूदार, यहाँ भी, ये गाढ़ा होता है, यहाँ पे पतला पतला नहीं होता, ये गाढ़ा होता है, ये गहरे रंग का तेल होता है। यहाँ पर जितने लोगों ने सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं, माने सी वाले राइट आंसर हैं। क्या है, सी वालों का सही जवाब है। मैं इतनी मेहनत से आपको जब पढ़ाता हूँ तो आप लोग लाइक करने में आपका पैसा लगता है, शेयर करने में आपका पैसा लगता है। अब यही हाल रहेगा तो मैं लंबी क्लास नहीं लूँगा, मैं केवल दो सेक्शन पढ़ाकर ही बंद कर दूंगा, ठीक है, जब आप लोग का ऐसा लगता है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये भी हमारे नोट्स में आपको मिल जाएगा। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, ठीक है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं कि जो मधुबनी है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग क्या होते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है और ये भी एनसीईआरटी में है और ये एनसीईआरटी क्लास फोर्थ में है, तो इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि भैया अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। सभी लोग फटाफट बताएं क्या होगा। देखिए कुछ लोग कहते हैं उत्तर नहीं बताएंगे, मन में अपना उत्तर रख लेते हैं, कमेंट करना चाहिए। अभिव्यक्ति, अगर आप शिक्षण पढ़ते हैं तो शिक्षण का पूरा प्रयोग करिए, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो मधुबनी चित्र को बनाने में, पहली बात तो मधुबनी क्या है, मधुबनी एक जिला है, मधुबनी एक जिला है, कहाँ पर, बिहार का। ये पूछा जाता है कि मधुबनी पेंटिंग कहाँ से प्रसिद्ध है, तो पहली बात आप जानते रहिएगा बिहार से। एक चीज, ये बिहार के किन क्षेत्रों से, तो मिथिलांचल क्षेत्र से, याद रखिएगा, यह भी आप याद रखिएगा, कहाँ पे, मिथिलांचल, और ये नेपाल तक फैला हुआ है, कहाँ तक, यह पेंटिंग जो है आगे चलकर नेपाल तक फैली हुई है, ठीक है। इसमें जो रंग बनाने के लिए घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हल्दी, केले का पत्ता, पीपल का छाल, पीसे हुए चावल, रंगीन घोल की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा, यह पीसे हुए चावल के रंगीन घोल से बनाए जाते हैं। तो आप लोगों ने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया। ये क्लास प्रतिदिन शाम 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जिसका लिंक टेलीग्राम पे मिलेगा। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वे स्वयं जुड़ जाएं और अपने सभी साथी मित्रों को एक बार इस वीडियो को शेयर करें, अपने सभी मित्रों को पहुंचा दें, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न का जरूर जवाब देंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर इसलिए नहीं पढ़ता कि मुझे कितना पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, ये बात डिसाइड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं पढ़ता। आप लोग केवल प्रश्न का जवाब दीजिए, गलत हो या सही मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है, डिसलेक्सिया बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। एकदम हलवा प्रश्न है और ये सीटेट में कई बार पूछा है,
अगर आपको भविष्य में शिक्षक बनना है तो भैया आपको इसी तरह के सीरीज को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये है पढ़ने का, बहुत ही सही बताया आप लोगों ने। जी हाँ, इसका संबंध किससे है? 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा, मैंने जितने लोगों ने बी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगर आप लोग संख्या बल बेहतर कर देंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तो मैं आपके लिए सीटेट की कुछ महत्वपूर्ण सीरीजें फ्री शुरू कर दूंगा। अगर आप लोग साथ देंगे तब, नहीं साथ देंगे तो यही क्लास एक फ्री पढ़ेंगे, बाकी क्लासेस कल से पेड वाली स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोग जितना बेहतर संख्या देंगे मैं और मेहनत आपके लिए करूँगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। मतलब इसका क्या कारण है कि जो पर्यावरण की अध्ययन कक्षा होती है, जैसे ईवीएस कक्षा जो होती है, उसमें जो किताबें में अभ्यास और गतिविधि क्यों रखनी चाहिए? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और अगर आपको डेली क्लास को पढ़ना है तो उसके लिए जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं वो दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश टेलीग्राम से, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब से ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े रहेंगे। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पे एकदम हलुआ सा है, कुछ लोग इसका उत्तर बी और कुछ लोग ए बता रहे हैं, दोनों हैं, दोनों सही हैं। पाठ के अंत में होना चाहिए। देखिए पाठ के अंत में जो होता है उसका उद्देश्य अभ्यास होता है, यहाँ पे ये गलत। इकाई के अंत में, ये भी गलत। पुस्तक के अलग अलग स्थानों पर होता है, ये सही है कुछ हद तक। फिर कह रहा है कि प्रकरणों में अंतर निर्मित होता है, जैसे अगर आप सौरमंडल का पाठ पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो गतिविधि होगी किसका होगा? सौरमंडल का होगा ना, कि आप लोग एक काम करिए, गोले में खड़े हो जाइए और यहाँ पे एक लट्टू में रस्सी बांधिए, इसको गोला गोला घुमाइए। अब यहाँ देखते हैं चारों तरफ से क्या होता है, अपना चक्कर लगाना शुरू किया। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी है, सूर्य का चक्कर लगाती है। माने जो पाठ आप पढ़ाएंगे उस पाठ के प्रकरण में अंतर्निहित होता है, क्या होता है उसके पाठ के प्रकरण में यह अंतर्निहित होता है। मतलब यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो सबसे उपयुक्त विकल्प है वह क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा, ए दिए गए प्रश्न का सही जवाब होगा। मतलब जितने लोगों ने ए बताया है उन सभी के प्रश्न के जवाब पूरी तरह से सही है, बाकी जितने लोगों ने बताया है उनके जवाब गलत थे। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। इसी के मन में कोई डाउट, कोई प्रश्न हो जरूर पूछिएगा, ठीक है। चलते हैं, मतलब जितने लोग लाइव उतने लोग भी वीडियो को लाइक नहीं करते, ये आपका नहीं मेरा दुर्भाग्य है, इसका मतलब पढ़ाने में कोई कमी है, इसलिए बाकी क्लासेस फ्री नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि पेड़ में रहेंगे कम से कम तब तो पूरा पढ़ेंगे ना, क्योंकि फ्री की चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को एक छोटा सा वाक्य दिया गया, इस वाक्य को पूरा करना है और ये पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको इस वाक्य को पूरा करने की, संदेश को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए और बताइए। देखिए यहां पे कह रहा है कि बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, सम्मान देना चाहिए, एकदम सही बात। पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में हमें क्या करना चाहिए? जो बच्चे होते हैं उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। फिर अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना, देखिए अभिभावक से कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक। फिर मैं आगे देख रहा हूँ, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। अगला, ये भी सही है, माने ये भी सही है और ये भी सही है। फिर कह रहा है पुस्तकों परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए, नहीं। अब आपको बताना है पहले और तीसरे में कौन सा सही है, अगर आपके आधार पर है, ठीक। आपको अगर ये बताना होगा इन दोनों में कौन सा ये, तो आप किसे बताएंगे? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। देखिए यहां पर होगा दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर होगा, प्रयोगों पर ध्यान देना। जब भी हम कोई चीज बच्चों को पढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन की बात कर रहा है, तो जो पर्यावरण अध्ययन में जो शिक्षक होंगे, देखिए हम किसी भी विषय का शिक्षण करें वहाँ पे बच्चों के दृष्टिकोण को सम्मान करना चाहिए, लेकिन कब सम्मान करेंगे? हम उन्हें पहले प्रयोग पर बल देंगे, प्रयोग करने के बाद जो उनका दृष्टिकोण होगा उस दृष्टिकोण का क्या करेंगे, हम सम्मान करेंगे। क्या करेंगे? हम उनका सम्मान करेंगे। इसलिए यहाँ पर
इस प्रश्न का जो सबसे सही और उपयुक्त विकल्प होगा वह यहाँ पर सी होगा। चाहे जो भी पार्ट पढ़ाएंगे, चाहे आप एनसीईआरटी की क्लास 3 का पढ़ाइए, 4th पढ़ाइए, 5th का पढ़ाइए, सभी में आपने देखा होगा वहाँ पर प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों को प्रयोग में इन्वॉल्व करना चाहिए। और प्रयोग के बाद अगर बच्चे उसका कोई रिस्पांस देते हैं तो हमें उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, उनके का सम्मान करना चाहिए। इसका मतलब इसका उत्तर सी इसका राइट आंसर होगा, ए इसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर ए नहीं होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखिए, यहाँ पर पर्यावरण की क्लास खत्म हो गई, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गणित शिक्षण। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गणित शिक्षण। तो अगर आप लोग साथ देंगे, अगर आप लोग अपना बेहतर देते रहेंगे तो ये भी पार्ट हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से खत्म कर लेंगे, जहाँ पे गणित शिक्षण की एक बड़ी सीरीज होगी। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप कितने लोगों को पहुँचाएंगे, कितना वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक, यहाँ से आप लोग की गणित शिक्षण शुरू होने जा रही है। गणित शिक्षण में एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, सीटेट में अपना बेहतर अंक अर्जित करना चाहते हैं, तो 30 नंबर के गणित में 15-15 का सेशन होता है। ये 15 सेशन क्या होता है, मैं कितना भी पढ़ा दूं आपको हमेशा लगेगा कि नया प्रश्न है, क्योंकि आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ जितना मैं आपको पेड क्लास में पढ़ाया उससे बाहर नहीं आएगा। दूसरा जो होता है 15 नंबर का, जिसे हम पेडागोगी के नाम से जानते हैं, यहाँ से 15 प्रश्न आते हैं। तो मेरा जो सीरीज है केवल हम इस पोर्शन पे ध्यान देंगे, क्योंकि आपके सिलेक्शन का आधार ये है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको गणित से डर लगता है, लड़की लड़के महिला पुरुष बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें गणित से डर लगता है। अगर आपको गणित से डर लगता है तो मेरी क्लास आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, मेरी क्लास आपको जरूर पढ़ना चाहिए, और आपको यह बात जानना चाहिए कि यहाँ से आप 15 के 15 अंक अर्जित कर सकते हैं। जी हाँ, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, अगर आप रेगुलर मेरी क्लास में हैं तो आपके 15 के 15 पूरे नंबर फिक्स होंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से गणित शिक्षण शुरू होने जा रहा है, तो 7 बजे से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर क्लास चलती है। बाकी सभी क्लास का जो लिंक है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ई लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके। ठीक, तो सभी लोग जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यार कितनी बार आपको बता दिया जाए, यहाँ पे 7 बजे क्लास चलती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आप जुड़िएगा, वहाँ पर इस क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताइए कि कक्षा में शिक्षिका विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के परिभाषित करने के लिए कहती है, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। ये क्लासेज आपको जौनपुर के से चलती है। ठीक है, और यहाँ पर ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए यहाँ पर आपके नंबर दिया गया है, और जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट की सीरीज भी इलनिब दुर्गेश पर सभी विषयों की उपलब्ध होगी, लेकिन उसके लिए आप सभी को दिए गए प्रश्न का जवाब देना है। ऑनलाइन क्लास के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, ऑनलाइन नोट्स भी उपलब्ध है। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आप लोग कमेंट बहुत कम आते हैं, पता इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है आप कितना भी बढ़िया पढ़ने में तेज हो, अगर आप कमेंट करके अपना जवाब नहीं देते तो परीक्षा हाल में जब बैठेंगे तब आप कहेंगे मैं दुर्गेश सर की बात माननी चाहिए। 150 मिनट में ना 150 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ प्रश्न का जवाब गलत या सही दिया करिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि कंठस्थ कराना, जी नहीं, मैं आपको एक बात बताया हूँ कि अगर आप मेरी क्लास शुरुआत से पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपने सीखा होगा कंठस्थ करना, याद करना, ये एनसीएफ 2005 की विरोध है। फिर परिभाषाओं पर आधारित, देखिए फिर परिभाषा आ गया, ये भी गलत। फिर आ गया परिभाषा, माने जहाँ जहाँ आपको परिभाषा लिख जाए कि परिभाषा है कंठस्थ करना है, याद करना, स्मरण करना है, दोहराना है, वो कभी गलत नहीं, गलत हो सकता क्योंकि एनसीएफ 2005 के आधार पर ऐसा बच्चों के साथ नहीं करना। अब बचा एक ही, अब यहाँ पर एक जब प्रश्न बचा तो यहाँ पर इसका उत्तर विभिन्न परिप्रेक्षणों से चतुर्भुज को समझने में विद्यार्थियों की सहायता करना, मतलब यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो क्या होगा, चौथा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ ऑनलाइन क्लास के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं बार बार आपको समझाता हूँ, जब चाहल में बैठेंगे तब मेरी बात आप लोग को याद आएगी कि हाँ काश हम एक टाइम मैनेजमेंट भी साथ में पढ़ लिए होते। यहाँ पर एक प्रश्न है आपके सामने कि कक्षा 4 में, ध्यान दीजिएगा कक्षा 4, बिंदु और रेखा पर ज्यामिति पाठ के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिए और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिए। सभी लोग जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, ये क्लासेज हमारे जौनपुर जनपद से चलती है,
ई लर्निंग विद दुर्गेश की स्मार्ट कोचिंग क्लासेस के नाम से, और ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर के लिए ये नंबर है, और ये हमारा व्यक्तिगत नंबर जिसकी कभी शायद आपको जरूरत ना पड़े। ठीक, अब आइए यहाँ पर एक एक करके हम विकल्पों का पोस्टमार्टम करते हैं और देखते हैं कौन से विकल्प पे सही ताला लगेगा। ठीक, चलिए एक एक करके ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है सेमी और इंचों में रेखा को परिशुद्ध रूप से माप सकता है, रेखा का नाम बता सकता है। याद रखिएगा बच्चे जो होते हैं वो गलतियां करते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप प्रश्न का जवाब दीजिए, तो मैं कहता हूँ ना आप गलती करिए ताकि गलती करने के बाद यहाँ सीखिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो परिशुद्ध रूप से, मानी पूरी तरह शुद्ध बताएंगे, ऐसा नहीं है। ठंडाई का नियम आपने पढ़ा है ना शिक्षण अधिगम में, तो अधिगम क्या कहता है कि भैया बच्चे गलती करके सीखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत। फिर कह रहा है रेखा और रेखाखंड में अंतर कर सकता है, बिंदु चिन्हित कर सकता है, और दी गई लंबाई के अनुसार परिशुद्ध रूप में रेखा को खंड खींच सकता है। ये कुछ हद तक सही लग रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बिंदु आया है, मैं आगे यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर मैं एक तरफ से तथ्यों को पढ़ता हूँ। रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, परिशुद्ध रूप से सेमी और इंचों में रेखाखंड को माप सकता है, रेखाखंड की अंतर बिंदुओं को चिन्हित कर सकता है। बड़ा ही भयानक प्रश्न है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिनका उत्तर सी के अलावा है। हाँ ठीक है, ट्रिक क्या था, मैंने आपको बताया था हर जगह ट्रिक काम नहीं करता ना, ये बात जरूरी नहीं है हर जगह ट्रिक काम कर जाए। हाँ आप लोगों ने एकदम सही पकड़ा, लेकिन याद रखिएगा मैं यहाँ पे एक टॉपिक भी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर रेखा और किरण और रेखाखंड में एक अंतर होता है, वो अंतर बच्चा कब जानेगा। जैसे रेखा किरण और रेखाखंड में अंतर कर सकता है और उन्हें परिभाषित कर सकता है, ये पता उन्हें परिभाषा नहीं पढ़ाना, लेकिन बच्चा परिभाषित कर सकता है। मेरी बात को गौर समझिएगा, मेरी बात को समझिएगा, उन्हें परिभाषा नहीं पढ़ाना है, परिभाषा नहीं रटाना है, लेकिन बच्चा अपने तथ्यों को परिभाषित कर सकता है। शिक्षार्थी अपने तथ्यों को, क्योंकि जब उन्हें ये पता नहीं है रेखा किरण और रेखाखंड में क्या अंतर है। मैं जैसे तीन लाइन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये बताया, इसका नाम रखा यक्स, इसका नाम रखा वाई, इसका नाम रखा जेड, बताइए इसमें रेखाखंड कौन है, कमेंट करके बताइए निम्नलिखित में से रेखाखंड कौन सा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं निम्नलिखित में से कौन सा रेखाखंड है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करके इतना बताएं निम्नलिखित में से रेखाखंड कौन सा है, बताइए रेखाखंड कौन सा है, सभी लोग कमेंट करिए यार, आप लोग सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो जवाब दिया करिए। तो अब बताइए जब तक बच्चा परिभाषित नहीं करेगा ये समझ में भी नहीं आएगा। देखिए रेखा किसे कहते हैं, इसे दोनों तरफ, ये हमारा देखिए रेखा क्या होती है, इसे दोनों तरफ अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक माने इसकी कोई सीमा नहीं है, ये हो गया रेखा। और ये हो गया किरण, इसका एक बिंदु तो निश्चित होता है, दूसरा बिंदु निश्चित नहीं। जैसे सूर्य क्या है, यहाँ चमक रहा है, इसका प्रकाश कहाँ तक जाएगा कोई निश्चित नहीं, ये हो गया किरण। एक बिंदु निश्चित है सूर्य टार्च, फिर रेखाखंड, ये क्या हो गया, ये रेखाखंड हो गया। माने रेखाखंड क्या होती है, इसकी लंबाई निश्चित होती है, कि 5 सेमी लंबी रेखाखंड खींचिए, 4 सेमी लंबी एक रेखाखंड खींचिए, तो क्या होता है इसकी लंबाई निश्चित होती है। तो यहाँ पर जब तक बच्चा परिभाषित नहीं करेगा उनमें अंतर नहीं कर पाएगा, तब तक ज्यामिति पाठ पढ़ाने के लिए आकलन निर्देश होंगे। तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर अब 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। तो याद रखिएगा कि हम हर तथ्य को, तभी मैं कहता हूँ कि आपको क्लास को अंत तक पढ़ा करिए और पूरा पढ़ा करिए। मैं जल्दी जल्दी बताता इसका ये उत्तर, इसका ये उत्तर है, तो मेरी क्लास पढ़ने से आपको कोई मतलब नहीं। यूट्यूब पे लाखों चैनल ऐसे हैं जो केवल ये बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर ये है और इस प्रश्न का उत्तर ये है। अगर मैं पूछ दिया जाए इन तीनों में किसे कॉपी पर खींचा जा सकता है, जरा कमेंट करके बताइए निम्नलिखित तीनों में से रेखा किरण और रेखाखंड में से किसे कॉपी पर खींचा जा सकता है, तो कोई हो तो कमेंट करके बताए। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इसके बाद CDP क्लास चलेगी 8:30 बजे से। मैं थोड़ा तेजी से पढ़ाऊंगा क्योंकि आपकी संख्या बहुत कम है, तो मैं जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। उसके बाद 8:30 बजे CDP क्लास है, 8:30 बजे से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर CDP क्लास है, जिसका लिंक टेलीग्राम पर मिलेगा।
टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। किन दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, तब तक मैं भी कुछ कर रहा हूं यहां पे, होमवर्क कर रहा हूं, आप लोग फटाफट जवाब दें। वीडियो को शेयर मत करें, लाइक मत करें, ठीक है? क्योंकि आपको बार बार कहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप करेंगे अपने मन का। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए 24 को, तो यार हम कहेंगे 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 12 = 24 लिख सकते हैं ना, 24 को हम लिख सकते हैं 3 × 8 लिख सकते हैं, 24 को यार हम लिख सकते हैं 4 × 6 लिख सकते हैं, फिर हम 24 को लिख सकते हैं 12 × 24 भी लिख सकते हैं, और 8 × 3 = 24 हो गया, 6 × 24 हो गया, और यहाँ पे 6 × 6, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अलग अलग लड़का अलग अलग लिख सकता है, ठीक है? तो जरा आप लोग कमेंट करिए इसका क्या होगा। माने यहाँ पर होगा कि बच्चों की सामान्य समस्या समाधान की रणनीतियों को सुलझाता है ताकि वो सही उत्तर दे सके। फिर कह रहा है अभी संज्ञानात्मक रूप से चिंतन करने बच्चों की सहायता करता है, ये भी कुछ हद तक सही है। फिर कह रहा है कि मुक्त अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इससे एक से अधिक उत्तर है, ये बंद अंत वाला प्रश्न है क्योंकि इसके निश्चित उत्तर है, ये गलत ये सही है। माने जितने लोगों ने सी उत्तर दिया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही थे। अब आप बताइए गणित आसान है या नहीं, अब आप लोग सोच के बताइए क्या गणित आसान है। ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है, यहाँ बच्चे स्वतंत्र होते हैं, अगर उनसे कह दिया जाए कि 12 × 2 क्या होगा तो शायद ही बच्चा कोई बता पाए, कुछ ना भी बता पाए, लेकिन अगर कह दिया जाए कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 होगा सभी बच्चे बता देंगे। कोई 4 × 6 बताएगा, कोई 6 × 4 बताएगा, कोई 2 × 12 करेगा तो कोई 12 × 2 करेगा, कोई 8 × 3 करेगा। तो इस प्रकार इसे हम मुक्त अंत वाला प्रश्न के नाम से जानते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा मैं प्रश्न तेजी से करा रहा हूँ कि बहुत धीरे धीरे हो गया ना। यहाँ पर एक प्रश्न आपके सामने है, कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन लिखता ये है, एक शिक्षक के रूप में किस ओर संकेत करता है? इसमें बहुत सारे टीचर होंगे, अध्यापक होंगे, अध्यापिका होंगी। अगर मान लीजिए हम आपके बच्चे होते हैं, हम अभी कक्षा में पढ़ रहे होते हैं और हम ये पढ़ते ये 482 है, लेकिन लिखते समय हम कैसे लिखते 482, तो बताइए आप क्या करते? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अगर आपको क्लास बेहतर लगे तो अपने 10 साथियों को प्रतिदिन क्लास में जोड़िए ताकि ये क्लास काफी लंबी चले। गणित यार सबसे आसान विषय है, हमें तो लगता है इससे आसान कोई विषय नहीं है, पढ़ाने वाला बेहतर होना चाहिए बस, जो तथ्य को पूरी तरह समझाए। चलिए आइए प्रश्न को हम ध्यान से देखते हैं। बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप में और लघु रूप में भ्रमित है, हो सकता हो मेरी तरह मंदबुद्धि बालक हो। शिक्षक को स्थानीय मान विषय पर तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए, ऐसा नहीं है। बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता, ये भी कोई बात नहीं है। बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया, जी हाँ बच्चा मेरी तरह मंदबुद्धि टाइप का है, और वो क्या है, वह ध्यान से तो सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता, और वह 482 को 482 नहीं लिख पाता, ठीक। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वो चौथा अर्थात डी इसका राइट आंसर होगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसका उत्तर डी बताया था, और जितने लोगों ने इसका उत्तर डी बताया था उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है, जैसे 4 को लिख सकती है 2 + 2, 4 को लिख सकती है 1 + 3, यदि वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा।
जी हाँ, मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि नहीं है, क्योंकि मंद बुद्धि और जड़ बुद्धि में थोड़ा सा अंतर होता है। सभी लोग फटाफट बताएं, शैलजा कोई लड़की है? देखिए मैं नाम लेता हूँ, अगर किसी का नाम मैच कर जाता है तो बुरा मत माना करिए। शैलजा, शैलजी, सोनी, मोनी, टोनी, जितेंद्र, रीना, आशु, सीटी, मनीषा, रत्नेश, सुजीत, मनीष, निशांत, कोई भी नाम हो सकता है। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि ये गुणनखंडी अवस्था है? नहीं। विभाजात्मक अवस्था है? नहीं। अभी संक्रिया अवस्था या पैणात्मक अवस्था है, इनमें दो में से कोई एक है। देखिए इसके माध्यम से संख्या चार की विभिन्न संक्रियाओं को समझ सकती है, माने वह संख्या के विभिन्न संक्रियाओं को समझ सकती है, इसलिए संक्रिया अवस्था है। क्या है ये, कौन सी अवस्था, इसे हम संक्रिया अवस्था के नाम से जानते हैं। माने दिए गए प्रश्न का जो सबसे सही और उपयुक्त विकल्प है वो दूसरा, मतलब यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है। संक्रिया अवस्था क्या होगा, संक्रिया अवस्था इसका सही जवाब है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, कोई डाउट किसी को? चलिए चलिए, आपकी क्लास जल्दी खत्म होने वाली है, अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो मैं हिंदी शिक्षण पढ़ाऊंगा। 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? मैं पेड क्लास में पढ़ाया हूँ, 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब दें। और ऑनलाइन क्लास के लिए सभी लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। पेट क्लास में मैंने उतना ही पढ़ा जितना परीक्षा में आता है, जो लेकिन सर वहाँ पे एक वीडियो कम है, तो भैया उतना ही पढ़ने पढ़ाया जितना आपके परीक्षा में आता है, और ये भी प्रश्न आता है, ये मैंने आपको पेट क्लास में पढ़ाया है। ठीक है, सभी लोग बताएं, बहुत सारे लोग होंगे अलग अलग, कोई गणित का भी होगा। यहाँ पे देखिए जो 100 लिखा है ना, ये 100 को 50 कर लीजिए, अब उत्तर बताइए जरा। तो यहाँ पे 50 है, अब उत्तर बताइए, 50 है, अब आप उत्तर बताइए, 50 है। यहाँ पे प्रश्न आपका हो गया 50, अब आप जरा जवाब दीजिए। तो देखिए टेलीग्राम पे सभी लोग जुड़िएगा, दुर्गेश्वर सर्च करके, यहाँ पे जब यही लोगो आपको मिल जाएगा, दुर्गेश्वर सर्च करिएगा, इलनी भी दुर्गेश्वर, आपको बताना है 50 के सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, 50 बताना है। यहाँ पे 100 नहीं है, यहाँ पे 50 है, जरा आप बताइए। तो अब यहाँ विकल्प में से पता नहीं कौन सा होगा, अब आपको उत्तर बताना है, विकल्प नहीं, क्योंकि आप लोग बड़े चालाक है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, आप लोग तुरंत देख के बता देते हैं। चलिए देखिए इसको लगाते हैं कैसे, इसको लगाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं, क्या करेंगे, 50 का गुणनखंड करेंगे, हो जाएगा 2, 25 होगा फिर 5, 5 से 1, तो यहाँ पे हम 50 का गुणनखंड लिखेंगे, क्या होगा, 2 पचे 10 पचे 50। इसे हम घातांक के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 घाते 1 गुणे 5 घाते 2 लिख सकते हैं। अगर केवल गुणनखंड की संख्या पूछता तो हम क्या करते, गुणन जो इसका घातांक है उसमें 1 जोड़ देते हैं और फिर गुणा कर देते हैं, तो हो जाता 2 गुणे 3 बराबर 6। अगर गुणनखंड की संख्या पूछता तब 6 होता, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है, योग पूछा है। योग के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 घाते, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 घाते 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 घाते 2, 1 बढ़ा के लिखेंगे, माइनस 1 यहाँ पे करेंगे, 2 माइनस 1 लिखेंगे, गुणा, 5 घाते 2 है तो लिखेंगे 5 घाते 3 माइनस 1, फिर 5 में से 1 गया, अब इसी को हल कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 3 बटा 1 गुणे 5 पचे 25 पचे 125 में से 1 गया 124 बटे 4, 4 एक का 4, 4 3 12, 4 एक का 4, फिर 3 गुणे 31, तो क्या हो जाएगा, 3 एक का 3, 3 तीन का 9, 93। माने 50 के सभी गुणनखंडों का जो योग होगा वह 93 होगा, किसके, 50 के सभी गुणनखंडों का योग 93 होगा। 100 का निकालना है तो 100 का कैसे निकालेंगे, अब मैं उसको भी बता देता हूँ। यहाँ पर अगर 100 का निकालना होता तो पहले हम क्या करेंगे, 100 का गुणनखंड करते हैं, तो ये होता 2 दूना 4 पचे 10 पचे 50, तो लिख सकते थे 2 घाते 2 गुणे 5 घाते 2, इसको यहाँ पे मैं हल कर दे रहा हूँ, आप हल कर लीजिएगा, तो एक घात बढ़ा के लिखते 2 घाते 3 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1 गुणे 5 घाते 3 माइनस 1 बटे 5 माइनस 1, इसको हल करते तब इसका उत्तर आपका क्या आता, कितना आता तब,
बताइए, तब इसका उत्तर क्या आता? जो आता वही आपका आंसर यहाँ पे होता। तो तीन घाते दो करते थे, आठ में से एक गया, 7/1, 124/4, 4 से काटेंगे 31, तो यहाँ पर हो जाएगा 7×31, 7×1=7, 7×3=21, 217। 100 का पूछता तो 217, 100 का पूछता तो 217 होता। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया? ये मैंने पेड क्लास में पढ़ाया, जो जो पेड क्लास जुड़े होंगे उनका ये उत्तर सही होगा। जो लोग भी एलएनबी दुर्गेश के पेड क्लास में जुड़े होंगे उनका ये प्रश्न पूरी तरह से सही होगा। इसके बाद अभी हिंदी शिक्षण भी पढ़ना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरह। समझ में आ गया सबको? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे। ये क्लास प्रतिदिन 7 बजे से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। 8:30 बजे से CDP चलेगी। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि समझ में आए तो हल कर सके आप। अगला एक प्रश्न छोटा सा आपके सामने, ये भी मैंने पेड क्लास में पढ़ाया है। 12-16 का न्यूनतम सारगुणज क्या होगा? मैंने इसको डिकोड कर दिया था, मैंने जब पेड क्लास में इस पार्ट को अच्छे से पढ़ाया था और मैंने वहाँ पे आपको बताया था न्यूनतम सारगुणज, जहाँ पे सारगुणज बात आता है वहाँ पे हमेशा रखिएगा LCM, जहाँ पे छोटी बात करें। और यहाँ पे भी सारगुणज कह रहा है, यहाँ पर भी LCM है, तो भैया 12 और 16 का जो LCM है वो 48 होगा, गुणे 10 और 15 का LCM 30 होगा। तो यहाँ पे 3×8=24 और 3×4=12, 14 एक लड्डू चढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा 1440, क्या हो जाएगा 1440। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं, या पेड क्लास में 6306344 36 7 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर इन सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे सभी पेड क्लास आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से किसी के मन में कोई डाउट कोई प्रश्न तो पूछ सकता है। इसके बाद हमें हिंदी शिक्षण पढ़ना है। ठीक, कौन सा शिक्षण? हिंदी शिक्षण। किसी कोई डाउट? चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी 2-3 प्रश्न है, क्या लग रहा है? यहाँ पर यह बताना है, एकदम हलवा प्रश्न है। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग प्रश्न का जवाब दें। 2424 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल क्या हो? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके जवाब। बताइए सभी लोग फटाफट। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। यार इसका हो जाएगा 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है उन सभी के जवाब सही हैं। अब थोड़ा सा समय, क्योंकि 8:30 बजे से आपकी CDP की क्लास है, इसीलिए मुझे थोड़ा तेज़ी से हिंदी शिक्षण पढ़ाना पड़े। गणित के क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी शिक्षण। तो मैं सबसे पहले हिंदी शिक्षण के बारे में आपको बातें बता दूँ। देखिए, अगर हम सीटेट की बात करें तो भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में जिन्होंने हिंदी लिया होगा, हिंदी में 2 सेक्शन होता है, 15 और 15। 15 में पैसेज आता है, 9 नंबर का गद्यांश, 6 नंबर का पद्यांश, और यहाँ भी पूरा शिक्षा शास्त्र आता है। ठीक, तो हम जो सीरीज पढ़ेंगे यह भी आपको प्रैक्टिस करना है और मैं आपको इसको जल्दी प्रैक्टिस करवा दूंगा। लेकिन अभी आपको जिस पे मेन फोकस करना है वह क्या आपका है? शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ पेडागोगी की पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका सेट नंबर 6 है आपका, और इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जो लोग वीडियो को जुड़े हैं वो एक काम करें, इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर कर दें। अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। और प्रतिदिन क्लास 7 बजे से इलेनी दुर्गेश की फेसबुक पेज, यूट्यूब, इन दोनों पर लाइव चलती है। इस सभी का लिंक आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर अभी तक आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े टेलीग्राम पर जरूर जुड़िएगा, अपने सभी साथी मित्रों को जोड़ कर रखिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन वहीं पर ही मिलेगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा।
मैं बढ़ रहा हूँ कि एक प्रश्न की तरफ, और आपके मन में अभी तक कोई प्रश्न आया हो तो फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मैं आपके तथ्यों को ही व्याख्या न करूँ, साथ ही साथ आपके कॉन्सेप्ट को भी मैं अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ, ताकि जब भी आप परीक्षा में जाएँ तो कभी भी आपको दिक्कत ना होने पाए। चलिए बिना समय गंवाए अब हमें अपने प्रश्न की सीरीज की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको बेहतर लगे, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से पढ़कर सेलेक्ट हो जाऊँगा, मैं यहाँ से पढ़कर शिक्षक बन जाऊँगा, तभी वीडियो को शेयर करिएगा। छोटा सा प्रश्न आपके सामने है, जहाँ से आपको दिख रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके इस दिए गए प्रश्न का सबसे सही जवाब देने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग इस दिए गए प्रश्न का जवाब ही नहीं देंगे, बल्कि यह प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस प्रश्न की जो थियोरी है वो लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेलेक्शन के और नज़दीक आए। बताइए चलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा जो लोग लाइव देख रहे हैं। देखिए कह रहा है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम की बात कर रहा है। सबसे कम क्या, उससे बातचीत करना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आप जब भी प्रश्न मैं पूछा करूँ आप जवाब दिया करिए, आप अपने मित्र से खुलकर बात करिए, बच्चों से खुलकर अपनी बातें रखिए, क्योंकि अगर आपको जीवन में सफल होना है तब, वरना अगर आप संकोच प्रवृत्ति के होंगे तो सफलता से दूर हटेंगे। फिर अपने अनुभव का वर्णन, हमेशा हमें अपने अनुभव का वर्णन करना चाहिए, हमें जिसके साथ रहें खुलकर अपनी बातें रखना चाहिए, खुलकर करना चाहिए, ताकि हमारी मानसिक अभिव्यक्ति संज्ञानात्मक विकास भी आपका हो, साथ ही साथ आपका सर्वांगीण विकास हो। फिर कह रहा है कि व्याकरण आधारित संरचना का अभ्यास जी नहीं, व्याकरण आधारित संरचना का आधार उनको नहीं करना है। फिर कह रहा है संवाद अदायगी, जी हाँ ये करिएगा ये करिए, लेकिन ये है कम प्रभावी है, इसलिए यहाँ पर दिए गए प्रश्न का उत्तर बी होगा, या जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर दूसरा बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं। ये तीन विषयों की शिक्षण लेनी भी दुर्गेश पर प्रतिदिन 7 बजे लाइव चलती है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, शायद अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो बताइए कौन से विकल्प में ताला लगाया जाए, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मैं दुर्गेश जायसवाल जौनपुर से इलेनिक विद दुर्गेश पर लाइव क्लास आपके लिए लेकर आता हूं, और ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। यदि कोई भी समस्या होती है तो यहां पर आपको ऑनलाइन क्लास नोट्स और जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट इलेनिक विद दुर्गेश की मिलना शुरू हो जाएगा। सभी लोग फटाफट बताएं कौन से विकल्प पे ताला लगाया जाए। बताइए, ज्यादातर लोगों ने ए बताया, मुझे लग रहा है सही है क्या। देखिए भाषा की पाठ्यपुस्तक जी नहीं, पाठ पद प्रश्नोत्तर जी नहीं, व्याकरण नियम ये जी नहीं, मैंने पेड क्लास में सारी चीजें पढ़ाई हैं। समृद्धि और भाषिक वातावरण, इसका क्या होगा, समृद्ध भाषी वातावरण जो होता है इससे भाषा सीखने में मदद मिलती है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि जब आप लोग प्रश्न का जवाब दें तो अपने मित्रों के साथ रहें, खुलकर उनसे रखें, उससे क्या होता है, हम अपनी जब बातें रखते हैं उससे हमारे क्या होता है, भाषा का जो समृद्धि होता है उसका विकास होता है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ये क्लासेस जौनपुर से चलती है, जानते रहिएगा, और ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए इस नंबर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक, घर बैठे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगी जो इलेनिक विद दुर्गेश से बन रही है इस समय। यहाँ पर एक प्रश्न है आपके सामने, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय आप बताइए क्या करेंगे। सभी लोग लाइव जो है वो कमेंट करके जवाब दें, सभी लोग। अब ये मत कहिएगा सर इसका जवाब नहीं पता, आपको हर हाल में इस प्रश्न का जवाब देना होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें। बताइए मालिक क्या होगा, क्या होगा, चलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पे डालिएगा, लोगों तक पहुंचेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है, यहाँ पर कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। यहाँ पे ऐसा तो नहीं है दृष्टिबाधित है तो ऐसा कुछ नहीं, जिन्होंने विभिन्न भाषी गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं है, ये समाज की शिक्षा का सवाल है, उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए जी नहीं,
अधिक से अधिक मौखिक रूप में भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये आपका प्रश्न समावेशी शिक्षा से है। मैं आपको बार बार कहता हूँ सीटेट में आपको 4-5 टॉपिक पढ़ने के लिए, आरटी 2009 समावेशी शिक्षा, एनसीएफ 2005, ये आप जरूर पढ़िएगा। और मेरे नोट्स में आप जरूर आपको ये मिलेगा। आपने अगर हमारी हिंदी पेडागॉजी की नोट्स अगर आपने पढ़ी होगी तो मैंने एकदम बेहतरीन तरीके से तथ्य को रखा और यकीनन उस बात प्रश्न के बाहर आप एक प्रश्न नहीं पूछेगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। बहुभाषिकता क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अगर आपको केवीएस को बीट करना है, देखिए इलानी दुर्गेश पर जल्दी आप लोग के लिए केवीएस की फ्री इंटरव्यू शुरू हो रहा है, मॉक इंटरव्यू, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जौनपुर जनपद के जो लोग हों, और 8:30 बजे से आपकी CDP क्लास चलेगी, आप लोग भागिएगा मत। 8:30 बजे से CDP क्लास चलेगी और 9:30 बजे से जो गरीब बच्चे हैं जिनकी IQ लेवल काफ़ी तेज़ है वो प्रश्नों की प्रश्न का जवाब देकर इनाम जीत सकते हैं, और इनाम जीतने के बाद आप उसका कोर्स इलानी दुर्गेश पर परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ बताइए बहुभाषिकता क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें और जवाब दें, बहुभाषिकता क्या है? बताइए सभी लोग, यहाँ पे जितने लोग लाइव हैं सभी लोग फटाफट जवाब दीजिएगा। भाषा के सिखाने में बहुत ही बड़ी बाधा है? जी नहीं यार, यहाँ पर बताइए जितने लोग हैं, अलग अलग जगह सबकी अलग अलग भाषा होगी, मेरी भी अलग है, आपकी अलग है, तो जरूरी है तो बाधा कहाँ डाल रही है? नहीं डाल रही है। कुछ लोग बिहार से देख रहे हैं, कुछ लोग यूपी से देख रहे हैं, यूपी 75 जिलों से, कहीं कोई राजस्थान से देख रहा है, कोई झारखंड से देख रहा है, कोई पंजाब से देख रहा है, उत्तराखंड से कोई देख रहा है, तो भैया अलग अलग उनकी भाषा होगी ना। भाषा इस समृद्धि को खतरे में डालती है? खतरे में तो नहीं डाल रही है, वो सीख रहे हैं। ठीक है, फिर भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है? ऐसा भी नहीं है। ये क्या है? भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि सभी के प्रश्न के जवाब क्या है? डी एकदम राइट आंसर है, मतलब डी वाले सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। जय कुंदन कुमार जी बिहार से, सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहे। अगला प्रश्न बहुत हलुआ है, ये आज का आखिरी प्रश्न है, इसी के जवाब देने के बाद आज की सीरीज खत्म हो जाएगी। और ये क्लास प्रतिदिन आपको 7 बजे से ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है, जिसका लिंक हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा। दुर्गेश सर सर्च करिएगा बिना स्पेस के, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास और नोट्स के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट संबंधित जानकारी ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अलग अलग जिलों से हैं, बहुत ही अच्छा लगा। आप अपने जिलों में अगर इसको पहुंचा देंगे तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी और मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ मेहनत आप प्रदेश के साथ साथ अन्य जिलों में भी जा रहा है, लोग पढ़ रहे हैं और सफल हो रहे हैं। ठीक है, आइए हम यहाँ पे और बात करते हैं इन सभी विकल्पों के पे कि भाषा का बच्चे विद्यालय में आने से पहले, देखिए मैंने पेड क्लास में इस बात को अच्छे से पढ़ाया था कि जब बच्चा विद्यालय आता है ना तो पूरी तरह से भाषा सीख कर आता है, मतलब परिपूर्ण होता है, मैंने उसका समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं है। जी नहीं, वो हंसना, रोना, बोलना, मांगना, घर जाना, घर आना, पानी पीना, सर आज पढ़ने का मन नहीं, सर सर दर्द कर रहा है, सर मम्मी के पास जाना है, ऐसे क्या करता है? वो बच्चा बातों का प्रयोग करता है। इससे बात स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो क्या करता है, इस भाषा का समुचित विकास करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे MP से भी है, सॉरी MP में भूल गया था, कोरी स्लेट होता? जी नहीं, वो कोरी स्लेट नहीं होता, वह ज्ञान का गागर होता है। यहाँ पे गलत है, मैंने पेट क्लास में पढ़ाया इस बात को। अच्छा मेरे, हम तो सर आपके, मतलब हम, मैं BTC 15 बैच जौनपुर से हूँ। अपनी भाषा नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ, जैसे इसे बच्चा जब आता है, पता उसको व्याकरण नहीं पता होता है, उसे क्या होता है, व्याकरण नहीं पता होता है, लेकिन वो व्याकरण का पूरा प्रयोग करता है। पापा हम घर जाएंगे, पापा हम स्कूल जाएंगे, पापा जब बाजार जाइएगा आते समय मेरे लिए टॉफी लेकर आइएगा, माने बच्चा क्या करता है, पूरी तरह से व्याकरण नियमों का प्रयोग करता है, बेशक उसे ये न पता हो कर्ता क्रिया कर्म क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम उसे नहीं पता हो, लेकिन जब बच्चा बोलता है तो पूरी तरह से वो व्याकरण नियमों पर बोलता है। अगर कोई प्राथमिक बच्चा या कभी भी किसी भी कक्षा 3-4 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे से जब बात करेंगे तो आप वहां पे पाएंगे, ठीक है, आप वहां पे ये पाएंगे कि बच्चा कोई भी हो,
कोई भी बच्चा हो, कोई भी बालक हो, वह जब भाषा का प्रयोग करता है तो पूरी तरह से वह क्या करता है, व्याकरण नियमों का प्रयोग करता है। जी हाँ, मैं जौनपुर में मैं चयनित हूँ और मुझे जिला जौनपुर मिला है सहायक अध्यापक के तौर पर, तो मैं चाहता हूँ मैं सेलेक्ट हुआ तो इसके साथ साथ आप भी सेलेक्ट हों और आप भी आगे बढ़ें, मेरी शुभकामना आपके साथ है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ अगर मेरी तरह सीटेट को पढ़ाकर पास करा दें इन तीन विषय के शिक्षण, तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ इससे बेहतर अगर कोई पढ़ा दे तो ये चैनल आप छोड़कर चले जाइएगा, क्योंकि यकीनन इस बात की भरोसा है मुझे कि मैं जो पढ़ाता हूँ उससे बाहर परीक्षा मुझसे इतर परीक्षा में नहीं आएगा। तो जैसे वीडियो में जुड़िएगा, अपने सभी साथी मित्रों को वीडियो शेयर करिएगा, सभी लोगों तक पहुँचाइएगा, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद जय भारत। आज की क्लास खत्म हो गई, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, पूछ लीजिएगा। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, EBS, मैथ और हिंदी, इन तीनों की पेडागोगी की एक बेहतरीन सीरीज पढ़ी जहां पर हमने व्याख्या पढ़ाया और आप हमेशा व्याख्या पढ़ने के लिए आया करिए, ठीक है। मैं सभी क्लासेस लूँगा एक दो दिन के बाद सभी, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा और जौनपुर जनपद में ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास घर बैठ के कहीं से पढ़ सकते हैं, नोट्स भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं NCERT का। आप अगर भी ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़े हैं तो आगे भी अपनी मेहनत को बरकरार रखने दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अंशु जी, जल्दी मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ, 9:30 बजे क्लास आपकी स्टार्ट होगी। अभी इसके जस्ट बाद एक क्लास है 8:30 बजे CDP की, तो भैया CDP प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों के लिए पढ़ना है, CDP मुकेश सर पढ़ाएंगे, सभी लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, 9:30 बजे वाली क्लास कल से प्रतिदिन होगी, तो चलते हैं, बाय बाय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। संस्कृत क्लास के संस्कृत सर से बात हो रही है, एक दो दिन में वो संस्कृत की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाय बाय। कोई सवाल है आपका, हाँ, फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब लर्निंग विद दुर्गेश। चलते हैं तब, फिर अगली क्लास के लिए तैयारी करनी है। लाइक नहीं किया वीडियो को, लाइक तो कर दीजिए यार, अनलाइक करने वाले तो चमन टाइप के लोग मिल ही जाते हैं।